हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्मित। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, परमानेंट ये आपकी रेगुलर वैकेंसीज रहने वाली है, कोई टेम्प्रेरी बेसिस नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट आप में से एलिजिबल होने वाले हैं। 10th पास के लिए अलग वैकेंसीज है, 12th पास के लिए अलग है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अलग है, डिप्लोमा के लिए अलग है, बीई बीटेक वालों के लिए अलग वैकेंसीज है जो आउट की गई है। तो वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे नहीं लगता है इससे अच्छा अपडेट आपको अभी तक मिला होगा इस मंथ में। तो आपको ज़रूर से इसके लिए अप्लाई करना है। किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी किस पोस्ट के लिए रहने वाली है, सारा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को आपने पूरा ज़रूर देखना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इससे रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वेबसाइट आप देख भी पा रहे हैं। आप इसको डायरेक्टली गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे परमानेंट वैकेंसीज के बारे में। तो सबसे पहले देखिए अप्लाई कैसे करना है, वो इम्पॉर्टेंट है। ये जो वैकेंसीज है फ्रेशर्स के लिए भी है, एक्सपीरियंस्ड के लिए अलग आई हुई है, वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज है। इन्होंने देखिए ये इनएक्सेल 1 फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जो है नोटिफिकेशन के साथ ही अटैच किया है। आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेकर सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ अटैच करनी है। ट्राई करना कि वो आपकी 3 महीने से पुरानी ना हो। यहाँ पे आपको पोस्ट मेंशन करनी है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आगे हम बात करेंगे। उसके बाद अपना आपको यहाँ पे अपना नेम मेंशन करना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है विद मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंड एज आपकी क्या है वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। देन आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, सीरियल नंबर वाइज मेंशन करनी है, जैसे 10th कब पास किया है, कितने परसेंटेज के साथ आपने पास आउट किया, कब पास आउट किया, 12th ग्रेजुएट, अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज है। ये वाली एक पोस्ट इसमें डेटा असिस्टेंट की है, तो उसमें आपको अगर टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश हिंदी में है उसके लिए टाइप करना है। ये सारी वैकेंसीज के लिए नहीं है, ठीक है, ये आप छोड़ सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ आगे किस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करके इनके गिवन एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है, और डेट भी आपने ज़रूर से मैंशन कर देनी है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले जो इसमें पोस्ट आउट की गई है मल्टी टास्किंग स्टाफ की है, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज हैं। आपकी एज मिनिमम 18 है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 40 है, आप इलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ओबीसी को 3 साल का, एससीएसटी को 5 साल का एंड अदर्स को एज पर नॉर्म्स 16,000 इसके लिए आपकी इन हैंड सैलरी रहने वाली है। 12th पास आपने की हुई है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या इंस्टीट्यूट से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। ये वाली वो वैकेंसी है जो उन्होंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है ना डेटा असिस्टेंट के लिए, अगर कोई आपकी टाइपिंग स्पीड है मेंशन कर देना। इसके लिए भी बहुत बढ़िया सैलरी है, 20,000 है। एज लिमिट इसके लिए भी सेम है, 18 to 40 तक अप्लाई कर सकते हैं, प्लस रिलैक्सेशन। इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें, आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में पास आउट की है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी, मतलब किसी भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको MS वर्ड ऑफिस की नॉलेज है, पावर पॉइंट की, MS एक्सेल की एंड अदर कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकती हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है ना कि आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी हिंदी में होनी चाहिए। ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फिल भी करना है अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अगर आप बैंक एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि SBI PO, SBI क्लर्क, IPS PO, IPS क्लर्क एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो अनअकैडमी पर स्पेशल बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेपरेशन करवाई जा रही है। कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आप अपनी तैयारी कर सकती हैं। आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं अगर आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। एक तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, तानिया TANYA।
लिंक मैंने आपको सारी डिस्क्रिप्शन में दी है, इवन जो कोड है वो भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप कोड यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो अदर बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, इसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया। आप एजुकेटर के साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकती हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आपको उसका लाइव रेजोल्यूशन मिलेगा, और भी काफ़ी सारे बेनिफिट आपको इसमें दिए जा रहे हैं। आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके ज़रूर से आप एनरोल करें ना। बाकी हर अल्टरनेट संडे इनका बैंक कॉम्बैट रहता है, बिल्कुल फ्री में रहता है मॉर्निंग में 10 बजे, उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं और एक्साइटिंग प्राइजेज आप वहाँ पर जीत सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक के आप इसी एग्ज़ाम्स को अगर टारगेट कर रहे हैं तभी आप इसके लिए ज्वाइन करना, आप किसी भी अदर एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे हैं ना तो आप ज़रूर से इन क्लासेस के लिए ज्वाइन करना, आपको पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम किस लेवल का आता है। सारी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। अच्छा, इसका लिंक मैंने आपको ना हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आयुष मंत्रालय लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में, पहला लिंक आपको इसी रिक्रूटमेंट का मिल जाएगा। थर्ड पोस्ट है प्रोग्राम मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, 50,000 सैलरी है, इसके लिए 50 मैक्सिमम एज है, मिनिमम आपकी एज कितनी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 19-20 जितनी भी हैं। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, आपने MBA की हुई है रेलिवेंट डिसिप्लिन में, जैसे कि फॉरेन ट्रेड में, टूरिज्म में, इंटरनेशनल बिजनेस में आप अप्लाई कर सकती हैं। और इसके लिए यहाँ पर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल होता है कि मस्ट, मतलब जो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो MBA है। डिज़ायरेबल होता है अगर है ठीक है, अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, जूनियर प्रोग्राम मैनेजर टेक्निकल के लिए सेम सैलरी है 50,000, इसके लिए मैक्सिमम 50 तक अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 18। आपने ग्रेजुएशन की हुई है रेलिवेंट डिसिप्लिन में, आप अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया है डिज़ायरेबल, अगर कोई एक्सपीरियंस है किसी डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री का या स्टेट का तो चलेगा, अदरवाइज फ्रेशर तो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर की है, 75,000 सैलरी है, सेम एज लिमिट है, इसके लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है यूनानी एंड होम्योपैथी में या आयुर्वेदा में आपने की हुई, आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टेप बताया है उसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, और आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।